सो हे गाइज, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5/7 और 9/11। तो क्या है 5/7 एंड 9/11, इन दोनों नंबर के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं, और ये दोनों क्या हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में ले आता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ। तो चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग 5/7 को करेंगे, तो 5 को रख दो बीच में, 7 को रख दो यहाँ। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, 7 को यहाँ रखा। अब जो कि 5 छोटा है तो 0 आएगा और उसके बदले यहाँ पॉइंट जाएगा। ठीक है, तो 7 7 जा 49। अरे गड़बड़ हो गया फिर से, तो 7 7 जा 49। फिर यहाँ 1, फिर 0, तो 7 1 जा 7। और 10 में से 7 गया तो बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। फिर 3 के ऊपर एक 0, तो 7 चौक 28। फिर नीचे 2, और ये टू बी कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब मैं अगर सिंपली बोलूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.714। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ। तो हो गया 0.714, और डॉट 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 आगे जाता रहेगा, कहीं ना कहीं ये रिपीट करेगा। खैर, आते हैं 9/11 पे। तो 9/11 को आप ऐसे लिख सकते हो, बीच में लिख लो 9 और यहाँ पर 11, जो कि 9 छोटा है 11 से, तो एक 0 बनता है। तो जैसे ही यहाँ 0 आएगा तो बदले में यहाँ पॉइंट जाएगा, और 11 8 88, और मैं 88 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब करके अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 11 8 88। 90 में से 88 घटेगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पर एक और 0 ले लेते हैं, 20, तो 11 1 जा 11, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और अब यहाँ से वैल्यू रिपीट करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.81, फिर ये 8181 आता रहेगा। तो हमें इन दोनों बीच में ही नंबर निकालने हैं। तो चलो हम लोग निकालते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को, हट जा ओ दिल दीवाने। चलो भाई, हटा दिया। अब मैं इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखूँगा। तो देखो, पहला इरेशनल नंबर मैं लिख रहा हूँ, तो चलो इन दोनों के बीच में हम 3 इरेशनल नंबर निकालते हैं। तो पहला इरेशनल नंबर है 0.72722, फिर 7, फिर इस बार 3 2, और डॉट 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 डॉट, यही सीरीज चलता रहेगा। नेक्स्ट लिखते हैं 0.73, फिर 7, फिर 3 3, फिर 7, फिर 3 3 3, और इस तरह से डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। फिर 0.74744, फिर 7, फिर 4 4 4, डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको और मन है तो आप और लिख सकते हो, 0.75755, फिर 7, फिर 5 5 5, और ऐसे ही पैटर्न आगे आप बढ़ाते जाना। ठीक है, तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।